हेलो फ्रेंड नमस्कार, मैं उम्मीद आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपकी एडी में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए, रनिंग समय में आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और ब्लॉक डेट में किस किस को जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिनकी एडी में भी दर्द है तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए आपको एक उपाय करना होगा और वो उपाय ये है कि आपको गर्म पानी करना है। गर्म पानी में आपको सादा नमक डालना है। सादा नमक डालने के बाद में उस पानी को आप बर्तन में रख लें ऐसे में कि उसमें आप अपना पैर रख सकें। तो देखिए आपको 10 से 15 मिनट अपना पैर उसी गर्म पानी में रखना है और अपने हाथ से उस जो गर्म पानी नमक वाला है उसको अपनी एड़ी पर और जहां भी आपके दर्द है वहां पर आपको वो ढालना है। तो ये आपको दिन में 3 बार करना है, सुबह दोपहर शाम। 2 दिन करोगे तो आपका जो दर्द है बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। और देखिए अगर आपके ज़्यादा पेन है और आपको लगता है कि कोई फ़ायदा आपको नहीं मिला है, एंड टाइम पर आपके दर्द हो गया है, आपके पास समय नहीं है, तो आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के एक पेन किलर भी ले जा सकते हैं और जैसे ही आप रनिंग करोगे उससे आधा घंटे पहले आप उस पेन किलर को ले लें तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा। लेकिन बहुत से छात्र कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगवाना है, वो कर लेना है। तो देखिए आपको इंजेक्शन या कोई भी वैसी मेडिसिन आपको नहीं लेनी है, आपको नॉर्मली जाना है क्योंकि इतनी बड़ी दौड़ नहीं है कि आपको इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। 1 किलोमीटर की रनिंग है, आप आसानी से कर लोगे। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मैं रनिंग कर दूंगा। आप डिमोटिवेट नहीं होने चाहिए। आपसे यहाँ पर कोई भी टाइमिंग आ रही है आप ये नहीं सोचे कि मेरी तो टाइमिंग इतनी आ रही है क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको बस यही सोचना है कि मैं वहां रनिंग कर लूंगा। और देखिए बहुत से लड़के क्या करते हैं कि पहला चक्कर इतनी फास्ट लगा देते हैं कि उन पर फिर दूसरा चक्कर लगाया नहीं जाता है। तो आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही दौड़ना है। ऐसा नहीं है कि आप पहली चक्कर में पूरी जान लगा दो जिससे कि आप दूसरा चक्कर भी नहीं लगा पाओ। आपको बस उस हिसाब से दौड़ना है कि आप दूसरा चक्कर भी लगा सको। और देखिए आपको इतना स्लो भी नहीं दौड़ना है कि आप बस सोच लो कि मुझे तो राउंड पूरे करने हैं। आपको मीडियम दौड़ना, आपको कुछ ज्यादा खा पी करके नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि आप पेट भरने के मुझे भूख लगेगी, भूख में कैसे दौड़ लगाऊंगा। तो आपको अपना पेट भरकर नहीं आना है। आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है तो एक सेब खा सकते हैं, एक सेब एप्पल खा करके आप रनिंग कर सकते हैं। आप ज्यादा यानी कि ऐसा उल्टा सीधा खा करके रनिंग ना करें। और रनिंग से पहले आपको ज्यादा पानी भी नहीं पीना है, तो ये काम आपको नहीं करना है। और देखिए मैं बता दूं जो लड़के ज़्यादातर फेल हो रहे हैं वो कौन से लड़के फेल हो रहे हैं। देखिए जिन्होंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की है, डायरेक्ट वहाँ पहुँच रहे हैं या 2-4 दिन प्रैक्टिस कर ली, यहाँ कितनी भी समय आया हो उन्हें कोई नहीं है, उन्होंने 2-4 दिन प्रैक्टिस कर ली, उनको लगा कि मैं वहाँ कर दूंगा, वही लड़के फेल हो रहे हैं। देखिए जिन लड़कों ने कम से कम अगर 10 दिन भी अच्छे से प्रैक्टिस की है तो वो लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं, वो डिसक्वालीफाई नहीं हो रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी गलती यही की है छात्रों ने कि वो प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, उनको लगा कि हाँ 1 किलोमीटर के नहीं आसानी से कर देंगे, इस वजह से वो लड़के छात्र फेल हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जिनकी रनिंग के लिए 10 दिन है 12 दिन है तो वो इतने दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जिन्होंने प्रैक्टिस की है वो सारे लड़के क्वालिफाई हो रहे हैं। जो छात्र डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्होंने अच्छी प्रैक्टिस नहीं किया, यानी कि उन्होंने 2-4 दिन ही प्रैक्टिस की है, रनिंग के लिए पहुंच गए हैं इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो आपको अपने अगर आपके पास 10 दिन बचे हैं तो आप देखिए 5-6 दिन सुबह शाम दौड़ा टाइम दौड़िए, उसके बाद में देखिए आपको 2 दिन पहले अपनी रनिंग बंद कर देनी है। अब देखिए मैं बता दूं कि कैसे छात्रों को ब्लॉक डेट पर जाना चाहिए। तो देखिए जिन छात्रों के दर्द ज़्यादा है और उनको लगता है कि मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा, जैसे किसी छात्र का पीटी 25 को है और उसको 22-23 को दर्द ज़्यादा हो रहा है और वो अनफिट महसूस कर रहा है, या फिर किसी को तेज बुखार टाइफाइड वगैरह कुछ हो जाए तो उसे लगता है कि मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे छात्र ब्लॉक डेट पर जाएं। क्योंकि इस समय अगर वो छात्र ऐसे में चले जाएंगे तो उन पर रनिंग नहीं होगी और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको ये समझिए कि 2 दिन का और समय मिल जाएगा तो आप अच्छा ट्रीटमेंट लेकर के फिट हो सकते हैं और उसके बाद आप जब ब्लॉक डेट पर जाओगे तो आप वहां पर अच्छी रनिंग कर सकते हैं और फिर आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये बहुत ही गोल्डन चांस है ब्लॉक डेट का, तो ऐसे छात्र ब्लॉक डेट पर जाकर के अपनी रनिंग को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी कि आपको देना था। सबसे मेन जानकारी यही थी कि एडी का दर्द बहुत ज्यादा छात्रों में है तो उसको कैसे दूर किया जाए। जो मैंने उपाय बताया है अगर वो करेंगे तो आपका एडी का दर्द खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जो मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।